अच्छा साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? आप एक आतंकी की इस तरह के रेडिकल वीडियो का सपोर्ट करते हैं जी, जो आप समझ नहीं रहे कि देश में कितना बड़ा खतरा आईएसएस के तौर पर मंडरा रहा है? आप मुझे थोड़ा जी जी बोलिए। हम एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं ना, प्लीज। मुझे सबका एहतराम है, सबका सम्मान है, आप मेरी गुजारिश सुन लें। जो आर्यन सिंह जी ने कहा अलकायदा की बात, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अलकायदा को किसने बनाया? अलकायदा को अमेरिका ने बनाया, क्योंकि अफगानिस्तान में रूस आ गया था। अलकायदा को किसने बनाया, मैं पूछ रही हूँ। कश्मीर के मौजूदा हालात किसने बनाए? इसलिए धर्मगुरु जो इस्लाम को आपसे बेहतर जानते हैं राशिद साहब, वो जाकिर मूसा के इस पूरे बयान का खंडन कर रहे हैं और आप उस जाकिर मूसा की हिमायत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं रुकिए, मुफ्ती मंजूर जिया साहब, आप क्या कहेंगे इनको? राशिद साहब कह रहे हैं कि जाकिर मूसा जो कह रहे हैं सही कह रहा है। उनकी हिमायत की बात तो सुनिए, शो के शुरू में आपने यही लगा। साहब, मैं एमएलए कश्मीर के एमएलए से कहना चाहूंगा, मोहतरमा के लिए पहले समझें। मोहतरमा, इस्लामिक वर्ल्ड में तबाही मचा दी तो सारा कसूर नंबर वन अमेरिका का है। और अरे आप अमेरिका की बात मत कीजिए, हम अपने मुल्क की बात करें। अमेरिका की बात छोड़ दें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। हमारे हिंदुस्तान पर उंगलियां उठ रही है, उस देश पर उंगलियां उठ रही है जो हमारे खाजे का देश है। आप क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान की जमीन पर है, हिंदुस्तान की सरकार में हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान के दुश्मन पर आप इस तरह की बात करते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, कहने की जरूरत है उसे। कौन देता है आपकी तनख्वाह? कौन देता है आपकी तनख्वाह? शर्म की बात है कि हमारे इंजीनियर साहब जैसे लोग, इंजीनियर साहब जी, मुफ्ती मंजूर सही साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी जागीर नहीं है, हमारे रिसोर्स मोहतरमा, बड़े शर्म की बात है। इज्जत हमारा सारा पानी पाकिस्तान को बेच गया है, बेशर्म लोगों और शर्म नहीं आती। जैसे लोगों की हिमायत क्या हो गया? लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बोलवी को कहता हूँ इसकी कीमत हिंदुस्तान में गाय से भी कम है। कमीज से बात कीजिए, किसी किसी को पहले गाय के बराबर तो हो जा। किसकी बात करना चाहते हैं इंजीनियर साहब? इंजीनियर साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तो भड़काने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सलमान भी है और जी, क्या कहेंगे आप? इंजीनियर है, इंजीनियर में सुहागे ने ही कहा था, मारा ही नहीं कर रहा था। बोल रही राशिद साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा दिया, ट्रिपल तलाक को भी मना लिया, फिर भी ऐसे भीख मांगते हो इनके आगे। हिंदुस्तान को बेच देना चाहते हो, बेगैरत लोगों को आतंकवादियों के हवाले कर देना चाहते हो आप, इंजीनियर साहब। और आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए? अपना कदम गाय के बराबर कर दो। पहले कहते थे नेशन फर्स्ट, आज कहते हैं गाय। साहब, मुसलमान की हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ देते, जेल भेज दो, सूरी चढ़ा दो। मैं हिंदुस्तानी तब तक नहीं बनूंगा जब तक तुम लोग पहले हमको गाय के बराबर तो समझो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा खुल के बोलिए ना राशिद साहब, यहाँ पर क्या क्या हो? क्या आप तो कहीं बीपी आपका मैडम ज्यादा ना हो जाए? ऐसे लोगों को क्या ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर लाने का कोई जोर से मिला? मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। ये लोग देश के लिए शर्म है, कश्मीर के नाम पर डब्बा है, कश्मीर के नाम पर डब्बा है। कश्मीर में प्रतिबंध नहीं, यहाँ पर बिल्कुल।